क्योंकि अब व्यवस्था वैसी बन गई, अंग्रेजों ने 200 साल गुलाम किया है। में गिनते हैं, जनेऊ को भी कपड़ा में गिनते हैं, मतलब अगर आपने जनेऊ धारण कर लिया तो इसका मतलब एक वस्त्र आपने अंग पे रख लिया है जी, और जी शरीर को बहुत अच्छे तरीके से वो एक लाभ भी पहुंचाते रहता है कि भाई आपके वस्त्र है और जहां कम वस्त्र की आवश्यकता है तो उसकी पूर्ति भी करता है। आप ये कह रहे हैं, जी जी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी जो राज थी वो सिर्फ राज नहीं थी, वो गवर्नेंस नहीं था, वरन की एक सांस्कृतिक जो है सो हमारे हमारे भूभाग के संस्कृति को बर्बाद करने का एक पूरा का पूरा षड्यंत्र था। उसने बर्बाद किया, लूट करके वो लेके चले गए। आप ये कह रहे हैं टोटैलिटी में, है ना? जी जी लेकिन मैं एक कह रहा पीढ़ी की, मैं एक पीढ़ी की आदत है। नरेंद्र मोदी हूँ, मान लीजिए मैं नरेंद्र मोदी, अब मेरे सामने आप वीरेंद्र जी हैं और आप ये हैं, और मैं पूछ रहा हूं कि भाई देखो मेरे पास तो यही कानून है, आपने मूर्ति तोड़ने की बात की, प्रतीक तोड़ने की बात की, तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ आप हमें कहिए कि आप यहां से हटा लीजिए, छुपा लीजिए, तोड़ने क्यों चले गए, तो इसका क्या जवाब है आपके पास? हमने तो विरोध, हमारा तो विरोध इसका हमने नहीं किया, आज से जब से देश आजाद हो जब से प्रतीक का विरोध हो रहा है, आज तक हटाई नहीं गई। मैं बताया लोहिया जी ने जॉर्ज चमचम की मूर्ति का विरोध किया, वो हटा दी गई वहां पर, फिर हमने जब तस्वीर रखी तो हमें तो तिलक माँ के थाने में बंद कर दिया गया पूरे दिन के लिए। जब नेताजी हमारे प्रधानमंत्री जी हम मूर्ति लगाते हैं तो उनको देशभक्त कहा जाता है, जब वहां लगाते हैं तो हमें कानून का उल्लंघन करार दिया जाता है। आज तिलक माँ के थाने ने नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जब हमें अरेस्ट किया वहां पर मूर्ति रखने पर, उस छत्र के नीचे हमने मूर्ति रखी 3 बार, हमें तीनों बार अरेस्ट किया गया और नरेंद्र मोदी जी के लिए सलामी दी गई, तो ये दोहरे मापदंड हो गए ना। अगर वहां पर मूर्ति रखना गैर कानूनी नहीं था तो हमें क्यों अरेस्ट किया? अब नेता रखेंगे तो वो कानूनी हो जाएगा, हम रखेंगे तो वो कानूनी नहीं होगा। और आशुतोष जी, जो आपने कहा, जो बात आपने कही, ये ऐसा नहीं है कि एक 5 साल कोई सरकार आएगी और वो 200 साल की किसी व्यवस्था को जो चली आ रही है रच बस गई है हमारी पीढ़ियों में, क्योंकि एक पीढ़ी की जो गलत आदत है वो तीसरी पीढ़ी तक आते आते व्यवहार बन जाती है। ठीक वैसी जो गुलामी थी हमारे जब शुरू हुआ, जब अंग्रेजों का 1757 के बाद से और ज्यादा एट्रोसिटीज शुरू हुई और जो पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर के द्वारा हमारे पूरी दुनिया में भारत की एक अलग तस्वीर पेश की गई, तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी तक आते आते जब वो गुलामी अंदर रच बस गई है, तो आप ये हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी एक सरकार के करने से हो जाएगा, लेकिन उसका बीज कहीं ना कहीं बोना पड़ेगा जो आगे आने वाली तीसरी या चौथी पीढ़ी तक वो गुलामी से हम मुक्ति पाएंगे। आप कौन सी सरकार कर रही है, कौन सी कर रही है सरकार आपकी नजर में? अभी तक तो कोई नहीं कर, और मैं आपको सब बताऊं, कुछ 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 काम नरेंद्र मोदी की सरकार के समय हुए हैं, जैसे 1997 में एक जो नियम पास किया गया था कि जो बजट जो है हमारे यहाँ शाम को पढ़ा जाता था, वो राजीव दीक्षित जी ने इस विषय को उठाया था, तो उस विषय को सुनकर, हालांकि मोदी जी उसका क्रेडिट उनको नहीं देते हैं, लेकिन उस विषय को सुनकर उन्होंने जो है बजट की जो बजट पेश करने का समय था, क्योंकि वो अंग्रेजी ब्रिटिश टाइम के हिसाब से जो है वो शाम के समय के कुछ हिसाब से सेट बैठा था वहां के जो टाइम जोन के हिसाब से, तो वो हटाया गया। ऐसे कई और भी 2-3 काम हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रयास छोटे छोटे हुए हैं, जैसे अभी मुगलों के कई नाम बदले गए, मुगलों के नाम से कई वो जगह वो बदले जा रहे हैं, लेकिन जैसे अब लैंसडाउन के नाम से एक शहर है, अभी आपका डलहौजी के नाम से शहर है, आपके कई और ऐसे अंग्रेजों के नाम से जो है जो शहर, उनको बदला जाना शुरू करना चाहिए, तो एक नींव रखी जाएगी जिसके ऊपर बड़ी इमारत खड़ी करने का काम आप जैसे हम जैसे लोग आगे चल के कर पाए, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी उतनी पुरजोर तरीके से शुरुआत नहीं हुई है जितना होना चाहिए।